जिले के कुम्हेर थाना अधिकारी और जयपुर जिले के जोबनेर थाने के कांस्टेबल को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ से ज्यादा वसूले गए। पड़ताल में सामने आया कि इस पूरे गिरोह में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। कुम्हेर के हेड कांस्टेबल गंगाधर और खो भरतपुर थाने के कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है। इस गिरोह की सरगना महिला है, जिसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने अलवर शहर के अरावली विहार थाने में सोमवार को अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस मामले में सरगना महिला सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला भरतपुर के डी की रहने वाली है, हाल में अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रहती थी। गिरोह में कुम्हेर के हेड कांस्टेबल और खो थाने के कांस्टेबल का नाम सामने आने पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। हनी ट्रैप के मामले में दर्ज मामले में दोनों को भी आरोपी माना गया है। कांस्टेबल का एक मकान अलवर शहर में है, उसने मकान महिला को दिया हुआ था। इस घर से ही गिरोह काम कर रहा था। महिला और गिरोह के बाकी लोगों को यहीं से पकड़ा गया था। एक अन्य शिकायतकर्ता भी सामने आया है, उस मामले में भी जांच जारी है। अरावली विहार थाना पुलिस बुधवार सुबह गिरोह की सरगना महिला को थाने से बाहर लेकर गई। इस दौरान मीडिया को देखकर महिला बोलने लगी कि उनको फंसाया गया है, उन पर अत्याचार हो रहा है। अरावली विहार थाने में 6 जनवरी को CI और कांस्टेबल ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया था। कांस्टेबल ने रिपोर्ट में बताया था कि महिला से 2022 में मुलाकात हुई थी। परिवार के बच्चों को गाइड करने और नया मकान खरीदने के मामले में सलाह देने के नाम पर उसे जयपुर से अलवर बुलाया था। यहां आने पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद धमकी देकर 5 लाख रुपए कैश और करीब 6 लाख रुपए ऑनलाइन हड़प लिए। बार बार वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूली गई। इसी तरह CI से 90 लाख रुपए वसूले, जिसमें करीब 50 लाख रुपए ऑनलाइन खातों में डलवाए गए। यह पैसा उधार लेकर दिया गया, इसका रिकॉर्ड भी थाने में दिया गया है। देखिए, अभी इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और प्राथमिक तौर पर इनकी रिमांड लेकर के जो भी इनके पास इस तरह का मटेरियल है जिससे ये ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते थे, उस सबको बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। ये भी इस तरह की बात आई है कि ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो उनसे भी पूछताछ करके उनके नाम क्लियर करके उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी हमारे पास एक और परिवादी पेश हुआ है जिसका ये कहना है कि कुछ साल पहले इस लेडी ने उसे भी इसी तरह से ब्लैकमेल करके और एक्सटॉर्ट किया था, तो उसके संदर्भ में भी हम प्रकरण दर्ज करके जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में ला रहे हैं। सर, नया परिवादी जो आया है वो किस पेशे से है, क्या बैकग्राउंड रहा है? वो बेसिकली मूलतः रहने वाले यहीं के हैं, बट वो जयपुर में हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर है पुलिस में जी। सर, महिलाओं को लगातार पुलिस के ही लोगों को इस महिला और गिरोह ने पूरा टारगेट किया हुआ है, और क्या पुलिस की भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता रही है जो इनको पूरा पुलिस का फीडबैक देते हो, या कुछ लोग इनके शामिल ऐसे नजर आ रहे हैं कहीं अभी? कुछ ऐसे पुलिस स्टाफ के लोगों का आया है जिक्र, तो हम एक बार उनसे पूछताछ करके ये एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या रोल था। आगे जैसा अपडेट आता है हम आपसे शेयर कर लेंगे। सर, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार इनके जो चैटिंग्स और फोटोज वीडियोज लगातार जो सामने आए हैं, पुलिस ने घर की तलाशी ली है, क्या संदिग्ध चीजें अभी तक पुलिस को मिल पाई हैं दबिश में? नहीं, अभी रिमांड पे लिया है तो अभी बरामदगी ऑफिशियली जो है सर्च वगैरह करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का मटेरियल मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल का मामला लग रहा है, करोड़ों रुपए तक का लेन देन हो चुका है। क्या अपील अलवर पुलिस करती है लोगों से, क्या और भी कोई विक्टिम सामने आए हैं? नहीं, अगर कोई व्यक्ति है जो इस गिरोह से पीड़ित रहा है तो वो बेशक आए और अपनी मुकदमा दर्ज कराए, ताकि जो है ये पूरा तरह से ये जो नेटवर्क है ये खुल सके।